व्हाट्सअप गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गिट और गिटहब के बारे में बताऊंगा कि गिटहब क्या होता है एंड व्हाई शुड वी गाइज बी इवन वरीड अबाउट कि गिट क्या होता है। तो गाइज होता क्या है कि हम कभी भी कोई रिपोजिटरी बनाते हैं, मैंने रिपोजिटरी टर्म बहुत जल्दी यूज़ कर दिया। कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम बनाते हैं, मान लीजिए वो आपकी कोई फ्लास्क ऐप हो या फिर वो आपका कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट हो जिसमें आप लोग मान लीजिए कुछ इमेजेस कलेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन और उसके बाद आप उनको प्रोसेस कर रहे हैं और फिर कुछ कोई बंदा कोई काम कर रहा है, कोई बंदा कोई काम कर रहा है, पाँच छः लोगों की टीम है। अब जनरली लोगों को अगर गिट नहीं आता है या कोई वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में नहीं पता होता है तो वो लोग क्या करते हैं, एक एक फोल्डर बना लेते हैं। कहते हैं यार मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा, रोहन दास एक फ़ोल्डर बना लेगा और अजिंक्या एक फ़ोल्डर बना लेगा और तीन चार लोग जो है एक फ़ोल्डर बनाकर और ज़िप जो है एक दूसरे में सर्कुलेट करते रहेंगे। मैं तुझे दूंगा, तू मुझे देगा, फिर मैं अपडेट करूंगा, मैं तुझे दूंगा, मेल करूंगा, कहूंगा अपडेट कर दिया मैंने ये, फिर वो मुझे मेल करेगा, फिर मैं उस पर काम करूंगा, फिर मैं कहूंगा मैंने ये अपडेट कर दिया। अगर वो फाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा है तो प्रॉब्लम बहुत होगी। जीमेल का ही जो अपना मेल सेंड करने की लिमिट होती है अटैचमेंट की, वो 25 MB की होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों को गिट से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। तो मैं आप दोनों ही डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्या क्या होता है और एग्जांपल्स और ये वो। एग्जांपल सेंट्रलाइज का होता है SVN और डिस्ट्रीब्यूटेड का मर्क्यूरियल गेट और ये सब होता है, लेकिन ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे कि हम गिटहब किस तरह यूज़ कर सकते हैं जल्दी से जल्दी अपने काम में और फ़ायदा क्या होने वाला है। तो अगर मान लीजिए इस तरह से बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट बनाकर काम कर एक दूसरे को ज़िप सर्कुलेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है अनप्रोडक्टिव काम होगा ऐसा करना। तो होता क्या है कि हम एक रिपोजिटरी बना लेते हैं ऑनलाइन, यानी कि फोल्डर बना लेते हैं ऑनलाइन, वो प्रोजेक्ट हम ऑनलाइन होस्ट कर देते हैं और उस प्रोजेक्ट को ऑनलाइन होस्ट करने के बाद हम लोग सारे के सारे चेंजेस उस ऑनलाइन प्रोजेक्ट में करते हैं। अब सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि हम उसमें डायरेक्ट चेंजेस करते हैं और उसमें वर्जन्स बनते जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि हर एक इंसान के पास अपनी अपनी कॉपी होती है। मान लीजिए खाली फोल्डर सबसे पहले बना, मैंने उसको पुल करा गिट पुल कमांड की मदद से, पुल मतलब कोड को अपने कंप्यूटर में ले लेना। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको सेटअप के बारे में बता देता हूँ कि कंप्यूटर में गिट को सेटअप कैसे करते हैं। आप लोग gitscm.com में जाकर गिट को डाउनलोड कर लें सबसे पहले। उसके बाद आप लोग क्या करें कि जो गिट इनिट कमांड है वो ऐड कर लें, वो रन कर लें अपनी ब्लैंक रिपोजिटरी में। जिस भी प्रोजेक्ट को आप एक रिपोजिटरी बनाना चाहते हैं गिट की, उसमें आप लोग कमांड लाइन खोलकर गिट इनिट कमांड खोल लें, लिख कर आएगा इनिशियलाइज्ड एम्प्टी रिपोजिटरी दिस दिस दिस। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप लोग गिट ऐड कमांड की मदद से जो भी आपने काम किया हुआ है उस ब्लैंक रिपोजिटरी में, उसके बाद आप अपना काम वगैरह कर लीजिए। काम वगैरह करने के बाद आप लोग गिट ऐड -A, यानी कि जितनी फाइल्स हैं सबको ऐड कर लीजिए। सारी की सारी फाइल्स को ऐड करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको कमिट कर सकते हैं और एक कमिट मैसेज दे सकते हैं, गिट कमिट -M डबल कोट्स में। मैं यहाँ पर अभी कोडिंग नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा, आप कमिट करके कमिट मैसेज डाल सकते हैं और उस कमिट मैसेज में आप लोग जो डिटेल लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं initialized main.py या फिर initialized1.cpp initialized index.html, उस तरह के आप लोग जो है कमिट मार सकते हैं और कमिट मार के आप अपना ओरिजिन सेट कर सकते हैं। आपका ओरिजिन क्या है, यानी कि आपकी रिमोट रिपोजिटरी का URL क्या है, आप लोग रिमोट रिपोजिटरी का URL अपने जो लोकल कंप्यूटर है उसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम लोग SSH कीज की सहायता लेते हैं। SSH कीज से हम अपनी गिट रिपोजिटरी को बताते हैं कि भाई ये रिपोजिटरी और ये कंप्यूटर ये दोनों मेरा ही है, तो मुझे प्लीज़ अलाउ करो कि मैं अपने कोड को रिपोजिटरी में पुश करूं और अगर रिपोजिटरी प्राइवेट है तो पुल कर सकूं, पब्लिक है तो कोई भी पुल कर सकता है। तो ये दो चीज़ें जो है इंश्योर करता है हमारा जो SSH कीज़ है उसकी मदद से गिट। तो होता क्या है कि एक बार मैंने ओरिजिन सेट कर लिया तो मैं गिट पुश और गिट पुल की मदद से बार बार कोड को पुश कर सकता हूँ और मुझे इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कमिट करना चाहता हूँ तो मैं मान लीजिए एयरपोर्ट पे हूँ या फ्लाइट में उड़ रहा हूँ तो मैं अपने रिपोजिटरी में आराम से काम कर सकता हूँ और जैसे ही मैं लैंड करूँ मैं क्या करूँगा, लैंड करते ही मैं अपना चेंजेस कमिट करके पुश कर दूँगा। और देखो फ्लाइट का नाम लिया ही, फ़्लाइट की आवाज़ आने लग गई, तो फ्लाइट की उम्र जो है बहुत ज़्यादा है। एनीवेज तो होता ये सब है। तो अब गाइस क्या होता है कि एक बार हमने कोड को पुश कर दिया अपने गिट में तो वहाँ से कोई दूसरा बंदा पुल कर सकता है। तो कोई कभी भी आप गिट
यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग गिट पुल करके जो चेंजेस हो रखे हैं रिपोजिटरी में उसको सिंक कर लें अपनी लोकल रिपोजिटरी से। मैं इस चैनल पर गिट का ट्यूटोरियल डालने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था, आप लोग को मैं अवेयर करूँ वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और यूज़ क्यों करते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप गिटहब जैसी वेबसाइट पर जाते हैं या फिर बिटबकेट जैसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग डायरेक्टली ऑनलाइन भी कोड में चेंजेस कर सकते हैं, और एक बार आप ऑनलाइन कोड में चेंजेस कर लें उसके बाद आप पुल कर सकते हैं। मैं पहले क्या करता था, अपनी जो वेबसाइट्स वगैरह हैं उसमें उनको उबंटू में होस्ट करके छोड़ देता था, उसके बाद गिट पे पुश कर देता था एक बार, और जैसे ही गिट, फिर मुझे बाद में फ्यूचर में कोई छोटे मोटे चेंजेस बग फिक्सेस करने रहे तो मैं ऑनलाइन ही उन फाइल्स को खोलकर कमिट कर लेता था और अपने सिस्टम में गिट पुल कमांड की मदद से पुल कर लेता था। उससे फ़ायदा क्या होता था कि जो चेंजेस होते थे वो मैं अपने कंप्यूटर में ले पाता था बिना विम का यूज़ किए, बिना लिनक्स बेस्ड सिस्टम का यूज़ किए। मुझे बहुत फैंसी आईडी मिलती थी ऑनलाइन, तो मुझे उसमें काम करने में काफ़ी आसानी होती थी, इसलिए मैं ऑनलाइन उस पर काम करता था। तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग gitscm.com में जाएं और गिट एक बार डाउनलोड करें, देखें गिट होता क्या है, एक बार चला कर देखें। हालांकि मैं ट्यूटोरियल बनाने वाला हूं, लेकिन उसके बाद भी आप जितना खुद एक्सप्लोर करें उतना ही अच्छा है। अब गिटहब जैसी जो कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ही बड़े अमाउंट में ख़रीदा है, तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा। तो जो गिटहब जैसी कंपनी है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने मेरे हिसाब से तो इसलिए ख़रीदा है क्योंकि उस पर टेंसरफ्लो और बड़े बड़े जितने भी गूगल वगैरह के कोड हैं वो सारे होस्टेड हैं, और सारा काम उसमें ओपन सोर्स का गिटहब पे ही होता है। गिटहब जैसी वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट के लिए बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो 2-3 दिन में अपनी मैन पावर का यूज़ करके वो वेबसाइट बनवा दें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको वो गिटहब ही चाहिए था, उनको वही वाला गिटहब चाहिए था जिस पे गूगल ने कोड पुश कर रखा है, जिस पे उन्होंने अपना भी कोड थोड़ा बहुत पुश कर रखा है, जिस पर और कंपनीज़ को कोड पुश करती हैं, तो वो सारा का सारा उनको जो है चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपना पैसा फेंक कर गिटहब को ख़रीद लिया। तो कभी भी आप किसी कंपनी में जाएंगे, कल आप अगर जॉब का सपना देख रहे हैं, ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं किसी छोटे स्टार्टअप में, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं और आप गिट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको गिट एक बार ट्राई मानना चाहिए। और मैं आपसे दावा करता हूँ कि एक बार आपने गिट के कमांड्स सीख कर थोड़े बहुत भी आप अगर गिट से थोड़ा सा भी आप इंट्रोड्यूस हो गए और आप थोड़े से भी कंफर्टेबल हो गए तो आप लोग गिट कभी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि ये है ही इतनी अच्छी चीज़, इतनी मज़ेदार चीज़ कि बिना सारे के सारे कोड को डाउनलोड किए सिर्फ चेंजेस को ये पुल करता है, सिर्फ चेंजेस को पुश करता है, और बहुत ही कमाल की चीज़ है। सो गाइज, ये वीडियो मैंने सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए बनाया था, लोग काफ़ी पूछते थे गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, गिटहब क्यों यूज़ करें। तो गाइज़, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ अपने इस चैनल पर और भी लाने वाला हूँ, और गिटहब जो है और गिट है उसका ट्यूटोरियल मैं बहुत जल्दी इस चैनल पे पोस्ट करूँगा, आप लोग को एक एक स्टेप करके बताऊँगा कि कैसे हम लोग अपना कोड पुश कर सकते हैं, कैसे पुल कर सकते हैं, ब्रांचिंग क्या होती है। ब्रांचिंग मैंने इस वीडियो में नहीं बताई, ब्रांचिंग का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एक मास्टर ब्रांच है जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसके बाद मैं अगर कोई थोड़े से चेंजेस लेकर किसी दूसरी जगह पर कुछ काम करना चाहता हूँ तो मैं वो एक दूसरी ब्रांच खोल सकता हूँ और चेंजेस मैं वहाँ कर सकता हूँ, और जो मेरी मास्टर ब्रांच है मेन ब्रांच उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको मैं वैसे के वैसे ही रखूँगा। मैं एक दूसरी ब्रांच यानी कि एक दूसरा काइंड ऑफ फोक समझ लीजिए आप, एक दूसरा कॉपी प्रोजेक्ट का उस पर काम करूँगा, और एक बार मुझे लगता है कि वो जो दूसरा प्रोजेक्ट मैंने बनाया कॉपी उसकी वो काम कर रही है सही से, तो मैं मास्टर में उसको मर्ज कर दूँगा, उसका भी गिट मर्ज कमांड होता है, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। सो गाइज, इस वीडियो को आप लोग अभी फटाक से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से इनेबल कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन अगर आप लोग इनेबल नहीं करेंगे तो वीडियो ज़रूर से मिस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।